बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियत का लेक्चर नंबर 2। हमने रिसालत के तकाजे पढ़ने हैं आज, सफ़ा नंबर 10, रिसालत के तकाजे। रिसालत के तकाजे दर्ज ज़ैल हैं। पहला है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहब्बत रसूल रिसालत पर ईमान का अहम तकाजा है। हज़रत सफ़ान बिन कदामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि अपने दस्त अकदस बढ़ाएँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त अकदस बढ़ाया। मैंने बैत करते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। एक और हदीस में फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से बढ़कर महबूब ना रखे। दूसरा है तज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत का दूसरा तकाज़ा तज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया है। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग आप सल्लम पर ईमान लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतारा गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को कारित कर देती है, यहाँ तक कि इंसान दौलत ईमान से महरूम हो जाता है। सब नबियों की तज़ीम ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और तालीमात की तरवीज, अशात और अमली नफाज के लिए जदोजहद और कोशिश करते रहना रिसालत पर ईमान का तकाजा है। यही अमल नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया कि उनमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अब तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हर तरह की कुर्बानी पेश करें। चार, अतात व इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की अतात करना और ज़िंदगी के सब मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और हदायत पर चलना रिसालत पर ईमान का एक तकाजा है। अल्लाह ताला की अतात का वाहद तरीका यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 59। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों की इत्तबा भी ज़रूरी है। अतात का ताल्लुक कौली अहकाम से है, इत्तबा का ताल्लुक अमली हदायत और उस्वा हुस्ना के साथ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम से मोहब्बत करेगा। सूरतुल इमरान आयत नंबर 31। रिसालत पर सही ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से सही ईमान नसीब होता है, इसलिए सब मुसलमानों को चाहिए कि रिसालत के तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएं। दुनिया और आखरत में कामयाबी और सरखरोई रिसालत के तकाज़ों पर अमल करने से है। हमें चाहिए कि इस्लाम के आलमगीर और आफाकी पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें।